बहन अनीता कुंडू। पूजा गुरु जी, मैं पर्वतारोही हूँ और नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हूँ। आज पूरे परिवार के साथ आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ा गर्व है कि ये बेटियां भी आगे तरक्की कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे हम हमेशा बेटियों का पक्ष लेते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और उसमें बेटियां इतनी तरक्की करें, और तरक्की करो बेटा, भगवान से प्रार्थना है। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका, बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाना, भगवान खुशियां दे। और एक और हमें पता चला, एक बच्ची है जिसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है, शायद यूपी से है और उसके दोनों टांगे कट गई थी और दुनिया की सातों पीक वो पार कर गई है। तो हम चाहेंगे अगर कोई एडम वाले बात सुन रहे हैं या यूपी के 45 मेंबर यूथ या दूसरे, कि उस बच्ची को अगर अगस्त में लाया जा सके और पूरे समाज को दिखाया जा सके कि उसके दोनों टांगे कट गई थी और फिर भी वो एवरेस्ट पार कर गई और सात पीक पार कर गई, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो उस बच्ची को अगर लाया जा सके तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी और हम चाहते हैं कि 15 अगस्त में उनको सम्मानित किया जाए, ऐसे बच्चों को जिन्होंने परवाह नहीं की। और दूसरों को मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारे तो दो पैर भी हैं, उसके तो वो भी नहीं था और कहां से कहां पहुंच गए। तो हाँ जी, आप ले लें और नार लगा के दे दे जी, आप चलाइए।